हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ, जिससे आपका मनोरंजन तो होता ही है और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। और हाँ, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब आप जल्दी से क्यों नहीं खा रहे? छोटे नामदेव मायूस होकर विट्ठल को बार बार विनती करने लगे। उनकी श्रद्धा और उनका प्रेम पूर्वक आग्रह देखकर विट्ठल खुद को रोक नहीं पाए और एक क्षण में ही वहाँ प्रकट हो गए। छोटे नामदेव खुद के हाथों से विट्ठल को भोग लगाने लगे। कभी विट्ठल नामा को निवाला खिलाते तो कभी नामा विट्ठल को निवाला खिलाते। पूरा भोग खिलाने के बाद खाली थाली लेकर नामदेव वापस घर आ गए। गुणाई ने नामा से पूछा, नामा भोग कहाँ है? वो तो मैंने विट्ठल को खिला दिया, उन्होंने बड़ी नादानी से उत्तर दिया। अच्छा, रोज तो विट्ठल भोग नहीं खाते, तो आज कैसे खा लिया? सच बता नामा, भोग का तूने क्या किया? ये सारी बातें सुनकर दामाजी नामा पर गुस्सा हो गए और बोले, ऐसा कहते हो तो फिर हमें भी देखना है कि पांडुरंग तुम्हारा भोग कैसे खाता है। दामाजी गुणाई की तरफ देखकर कहते हैं, भोग की थाली फिर से तैयार करो। गुणाई तुरंत भोग की थाली लेकर आती है और उसके बाद तीनों वो थाली लेकर विट्ठल के मंदिर पहुंच जाते हैं। नामा विट्ठल के सामने भोग की थाली रखता है और पूरे मन के साथ प्रणाम करता है। तभी मूर्ति के अंदर का विट्ठल फिर से उसे दिखाई देता है, पर वो सिर्फ नामा को ही दिखाई देता है। विट्ठल, मेरे पिताजी और मेरी माँ को मैंने तुम्हें दिया हुआ भोग तुमने खाया, ये झूठ लग रहा है। इसलिए मैं दोबारा तुम्हारे लिए भोग लाया हूँ। मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम ये भोग मेरे पिताजी के समक्ष एक बार फिर से खा कर दिखाओ। बेटा नामा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं सिर्फ तुम्हें ही दिख सकता हूँ। तुम्हारे पिता और माता के सामने मैं ये भोग नहीं खा सकता। फिर मेरे पिताजी को लगेगा कि मैंने उनसे झूठ बोला, वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे, मेरी माँ भी मुझसे कभी बात नहीं करेगी। ऐसा कहकर नामा फिर से मायूस हो जाता है। नामा का वो नादान चेहरा मायूस होता देखकर श्री विट्ठल भी भावुक हो जाते हैं और अपने प्रिय बाल भक्त नामा के लिए उसके माता पिता के सामने प्रकट हो जाते हैं। साक्षात विट्ठल को उनके समक्ष देखकर दामाजी और गुणाई स्तब्ध हो जाते हैं। उन्हें खुद की आंखों पर विश्वास नहीं होता। दामाजी, नामदेव का भोलापन और उसका प्यार भरा आग्रह देखकर मैं प्रसन्न हुआ और इसीलिए उसके बुलाने पर मुझे आना पड़ा। हाँ, मैंने आज एक भक्त के हाथों भोग ग्रहण किया। ऐसा कहकर विट्ठल ने वापस नामा के हाथों से भोग खा लिया। हे पांडुरंग, आज हम धन्य हो गए, आज हमें हमारे नामा के वजह से साक्षात आपकी दर्शन हुए। मेरे नामा पर आपकी ऐसी ही कृपा बनी रहे, इतनी ही हमारी इच्छा। तीनों ने भी विट्ठल को प्रणाम करके आशीर्वाद लिए। क्यों तेजस, कैसी लगी नामदेव महाराज की कथा? दादाजी, मुझे बहुत पसंद आई, थैंक यू। आपने बताई हुई ज्ञानेश्वर महाराज जी और संत नामदेव जी की कहानी मैं कल स्कूल में दोस्तों को भी सुनाऊंगा। वाह बेटा, शाबाश। ज्ञानेश्वर माँ बोली।